आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। विगत रात्रि हुई मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर कोल्हू खेत के निकट पहाड़ी से भूसंगलन होने के कारण मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। लगभग 5 घंटे के बाद लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। वहीं लाइब्रेरी बस स्टैंड के निकट मुख्य मार्ग में गहरे गड्ढे हो गए हैं और यहां पर लगातार दुर्घटना होने का भय बना हुआ है, जिसको देखते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लाइब्रेरी से सभी वाहनों को माल रोड होते हुए पिक्चर पहले से देहरादून की ओर भेजा जा रहा है। यमुना मसूरी पेयजल पंपिंग योजना के तहत बिछाई गई पाइपलाइन फटने के कारण देहरादून जाने वाले मुख्य मार्ग पर गहरे गड्ढे होने से खतरा उत्पन्न हो गया है। इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। आप सभी को बता दें कि भारी वाहनों के लिए अभी भी प्रवेश बंद है। कोठाल गेट के पास बड़े वाहनों को रोक दिया गया है। वहीं गालोगी धार के पास सड़क का एक भाग टूटने से एक मार्गी यातायात की व्यवस्था की गई है। इस दौरान मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया है और लोक निर्माण विभाग को मार्ग शीघ्र खोलने के आदेश दिए गए हैं। मार्ग बाधित होने से स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी घंटों जाम में फंसना पड़ा। लोक निर्माण विभाग द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मार्ग खोलने का प्रयास किया जा रहा है। उप जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि विगत रात्रि हुई बारिश के कारण सड़क पर मलबा और पत्थर आने से मार्ग बाधित हो गया था। लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने बताया कि सड़क पर पुस्ता ढहने से मार्ग संकरा हो गया है और बड़े वाहनों को अन्य मार्गों से भेजा जा रहा है। साथ ही सड़क पर पुस्ता लगाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी द्वारा पुलिस को निर्देशित किया गया है कि इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद रखी जाए। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। वहां पर जो पाइपलाइन फटने के कारण सड़क जो है बिल्कुल नीचे केविन हो गई है, तो सुरक्षा के दृष्टिगत जो है वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन बंद करवा दिया गया है। और जो हमारा मॉल रोड के थ्रू हम जो है इंटर कॉलेज के थ्रू इंक्रेक होते हुए यातायात का आवागमन रहेगा इस तरफ से, और जो दूसरी तरफ डायरेक्टली हाथी पांव वाला रास्ता भी यूज़ करके ट्रैफिक निकल सकता है। वैकल्पिक मार्ग वहाँ से पानी का निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी डी पम्पिंग करा रहे हैं और उसके बाद उसकी जब पानी निकल जाएगा पूरा, उसके बाद उसकी फिलिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दी है जल निगम द्वारा। और ये NH का जो रोड है वो दोनों विभाग जो है समन्वय बनाकर आपस में वहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल उसकी जांच भी की जाएगी कि अगर कार्य जो है उसमें खराबी थी तो उसमें उनके खिलाफ नोटिस भी इशू किया जाएगा। बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है यहाँ पर। 3 बार पहले जो स्लाइड आया था उसको 3 बार हमने गैबियन वॉल्स को भर के और सड़क के लेवल पर उसकी फिलिंग पूरी हो चुकी थी लगभग। कल रात जो अति वृष्टि हुई है, बहुत तेज बारिश के कारण जो है जमीन खिसक गई है वहाँ से फर्दर, और जितने भी गैबियन स्ट्रक्चर लगाए थे PWD द्वारा वो सारे के सारे नीचे चले गए हैं। अभी वर्तमान में सड़क पे प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है और सड़क का जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी संकरा हो गया मार्ग। इसी वजह से हमने जो भारी व्हीकल्स हैं, भारी वाहन हैं, उनका जो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बंद कर दिया है फिलहाल अग्रिम आदेशों तक। और लगातार कार्य हो रहा है, मौसम जैसा भी रहे कार्य लगातार चल रहा है। दोबारा से उम्मीद ये है कि जो नीचे वाला गेबिन वो है वो देख सकते हैं नीचे की तरफ में, वो वहाँ पर शायद स्टेबलाइज हुआ है जी। तो उस पर अब दोबारा से लेबर काम कर रही है नया गेबियन स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जी। और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए यहाँ पर जो है हमारे PWD की तरफ से जो लोग हैं पुलिस से हैं, और पुलिस को और जो है इसमें निर्देश भी दिए गए हैं कि मैन पावर डिप्लॉयमेंट बढ़ाएं, यहाँ पर 24 घंटे डिप्लॉयमेंट रहे यहाँ पर पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था को बना के रखने के लिए। पर चूंकि अभी वर्तमान में सड़क का जो स्थिति है आप देख सकते हैं जी, बहुत खतरी हो गई है सड़क, 3 मीटर से भी कम चौड़ाई रह गई है सड़क की। तो इसमें मैं जो लोग आने वाले हैं मसूरी में और जाने वाले हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, उनसे भी मेरा निवेदन है कृपया करके जो है अभी अगर अननेसेसरी ट्रैवल यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं तो आप ट्रैवल जो है अगर ज़रूरी नहीं है तो अवॉइड करें, क्योंकि सड़क की कंडीशन ठीक नहीं है। बसेस को जी, बसेस के बारे में डिसीजन लिया जाएगा कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि यात्रियों को भी जो है हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो लोग आ रहे हैं उनको भी असुविधा ना हो। पर जितने भी हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं,
उनके लिए तो मूवमेंट बिल्कुल बंद कर दिया गया है और उनको यही सजेशन दिया जा रहा है दोनों तरफ से कि चिमाड़ी हाथीपांव वाला जो रास्ता है हमारा उसको लेकर वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके वो मसूरी देहरादून और मसूरी के बीच में आवागमन कर सकते हैं। गाड़ियां हैं, ट्रक्स जितने भी हैं वो सब पे रोक है।